हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे साथ मेरा दोस्त मोहित सैनी और ये मेरा दोस्त है मेहुल। और आज हम जा रहे हैं मेहुल के कॉलेज में। इसको एक ना इस बंदे को, ये बंदा थोड़ा पढ़ाकूस है, तो देख लो इस बंदे की शक्ल देखो, इसकी थोड़ी पढ़ाकूस ही लग रही होगी आपको। तो आज हम इसके कॉलेज जा रहे हैं, इसकी बुक है ना, तो रीइशू करवाने के लिए। आगे की बात आपको ये भी बताते रहेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा हमारे साथ। बीच में वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, ठीक है? ओके, आगे आगे चलो, आपको बहुत सारे मजे दिखाते हैं, कॉलेज का रास्ता दिखाते हैं और कॉलेज दिखाते हैं कि हासी का जो नेहरू कॉलेज है कैसा है। कुछ आप भी कहना चाहोगे सर? धन्यवाद। थोड़ी बहुत टिप्पणी, थोड़ा बहुत कुछ, कि हम गलियों से होते हुए, हांसी की गलियों से होते हुए जा रहे हैं। चलो आपको रास्ता दिखाते हैं कॉलेज तक पहुंचने का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमें, हम जा रहे हैं भीड़ी भीड़ी गलियों से नेहरू कॉलेज में। ये देखो हांसी की गलियां देखो, पूरी एकदम, मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये थोड़ी ऐतिहासिक सी आपको लगेंगी। यहाँ पे ये शहर ही ऐसा है, थोड़ा डरावना सा भी। यहाँ पे बहुत सारे केसेस भी होते रहते हैं, मिस्टीरियस चीजें भी बहुत है। हाँ, ये पीछे से पैं 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 करते हुए, ये देखो स्कूटी वाले भैया आ रहे हैं। ये गए स्कूटी वाले भैया, वो पीछे साइकिल। ये हेलो बेटा। हाँ बेटा। थोड़ा बहुत वो फ्रेंडशिप में चलता है। अब हम आ चुके हैं मार्केट में, यहाँ हांसी की चहल पहल। देखो मार्केट, देखो ये मार्केट कैसा है, कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर एरिया है। ये गलियाँ बीच बीच में से, ये गलियाँ यार, यहाँ पे ना बारिश हुई है भी हो रखा है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी अच्छे से आ रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा फोकस करना, ठीक है? एयरफोन्स लगा के सुनना, हम देखना हमारा ब्लॉग। यहाँ पीछे ये पीछे गाने गुने भी बज रहे हैं भाई, देखो कितनी बारिश, देखो कीचड़ हो रखा है पूरा। ये चौपटा बाजार की हमारी मार्केट आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रगल, हम इतनी बारिश में, इतनी कीचड़ में, हम ऐसे भीड़ भड़ाका मार्केट से चलते हुए अपनी बारिश में भी आपके लिए ब्लॉग्स बना रहे हैं। हाँ, हमारे फैंस के लिए। और देखो कितना कुछ कर रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये इस इंसान के लिए भी कर रहे हैं हम, ठीक है? ये जैसे कि आप देख सकते हैं क्या मार्केट अच्छा लग, आई होप कि आप लोगों को मार्केट भी अच्छा लग रहा होगा। ये भाई साहब ये सूट पहन के खड़े हैं, वाओ। जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि अभी कोई वाओ वाओ कर रहा था। कृष्णा जनरल स्टोर, आगे एक ब्यूटी पार्लर, बहुत ही मशहूर ब्यूटी पार्लर है ये। और इस शहर के बारे में जितनी इसकी तारीफ करो ना, उतनी कम है। वो किरुम्बा देख, तो फैंस आपको सॉन्ग भी सुनाते हैं जो यहाँ पे ऑटो वाले चलाते हैं। बहुत ही यार, देखो यूनिक शहर है ये। देखो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं इंग्लिश गाने काफी सुनता हूँ, और एंड आई लाइक दिस वाइफ। दोस्तों ये सेल चल रही है भाई, सेल, किसी को अगर कुछ लेना हो तो भाई 350 रुपये में सेल चल रही है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हर चीज यूनिक है, ये शहर भी यूनिक है, तो प्लीज जरूर आइएगा इस शहर में। हाँ बिल्कुल, क्या कह रहे हो? अब आपको हांसी की सबसे फेमस स्वीट डिश की, मतलब जलेबी की सबसे फेमस दुकान दिखाता हूँ, मिठाई के। ये है हमारे हांसी की सबसे फेमस शॉप, गंगू हलवाई की दुकान। ये गंगू का बेटा बैंचोद यहाँ पे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं जलेबी जलेबी बन रही है यहाँ पे, किसी को कुछ ये खाना, ये फेमस दुकाने हैं, ठीक है? और अभी हम चलते ही जा रहे हैं। ये देखो ये साहब जी का पता नहीं किसका फोन आ गया है, पता नहीं किससे, पता नहीं गर्लफ्रेंड का है कि किसका है, कुछ कह नहीं सकते हम, ठीक है? ये अपने किसी दोस्त को निमंत्रण देते हुए। तो ये भाई साहब है जो कॉलेज जा रहे हैं, ये हमसे विकास ज्वेलर्स पूछ रहे हैं, तो उसका तो हमको भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं पहली बार जो हांसी आया हूँ इतने दिनों के बाद, तो मैं भी भूल चुका हूँ कि विकास ज्वेलर्स कहाँ है। तो अभी हम पूछते हैं किसी से विकास ज्वेलर्स के बारे में। तो हम चौपटा बाजार में पहुँच चुके हैं, तो देखते हैं। पहुंच नहीं चुके भाई, पार करने वाले हैं, पार करने वाले।
तो दोस्तों ये हम चोपटा बाजार में पहुंच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको चौक दिख रहा होगा, ये है चोपटा बाजार। तो ये अब हम चोपटा बाजार से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं बड़सी गेट की ओर। हासी की एक मशहूर चीज़ है जो बड़सी गेट के नाम से फेमस है। ये एक बहुत बड़ा गेट की है। आवाज में आपको हमारी आवाज नहीं आएगी। तो ट्रैक्टर को थोड़ा सा जाने देते हैं, फिर उसके बाद आपको इंट्रक्शन देते हैं। तो दोस्तों हमको एनके ज्वेलर्स मिल चुका है, विकास ज्वेलर्स। तो हम उनके सामने खड़े हैं। और ये जो मेहुल है चश्मे वाला, ये मेरा दोस्त है। ये अपने हमारे साथ आगे भी अपने किसी कॉलेज फ्रेंड की वेट कर रहा है विकास ज्वेलर्स के सामने। तो इसके दोस्त ने हमको अंदर की ओर बुला लिया है। ये भीड़ी सी जो गली है हम इसमें एंटर कर चुके हैं। तो देखिए आपको अंदर की छोटी मार्केट दिखाते हैं। अब अच्छा, तो ये अब हम एंटर कर चुके हैं। ये मेहुल है, देखिए। तो दोस्तों ये मेहुल अपने फ्रेंड की वेट कर रहा था इतनी देर से, लेकिन उसने मना कर दिया है कि वो नहीं जाएगा गुफा से निकलते हुए। तो अब हम देखो किस रास्ते से आए हैं। वाओ, ये रास्ता देखिए आप, कि कैसी कैसी गलियां हैं यहाँ पे, पतली पतली। तो दोस्तों ये अभय सिंह है, ये आपको घुसा सकते हैं अगर आपको ना पता हो तो। गलियां हैं ये, दीवार होती है ना, ये साइड निकल जाएगी। ये स्ट्रेचेबल दीवारें हैं। ये देखिए अब कितनी चौड़ी हो गई है, पहले भिड़ी भिड़ी थी गलियां, अब कितनी चौड़ी हो गई है। तो ये स्ट्रेचेबल गलियां हैं, अगर यहाँ पे ट्रक भी लाना चाहो आपको केवल हांसी में ही मिलेंगी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक यूनिक शहर है, यहाँ पे हर चीज यूनिक है। तो आगे ये देखिए, सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी। वाओ नाइस। वैसे मैं सही कहूँ तो मैं खुद पहली बार हांसी में रहते हुए भी पहली बार इस गलियों में आया हूँ। भाई कहाँ जाना है यार, नहीं पता। ये मेहुल है, ये यहाँ पे अक्सर आता रहता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से हमको लेके जाएगा यार। इसका कोई भरोसा नहीं कि अब तक किडनैप तो नहीं करवाने जा रहा है। बोले ये आप हांसी में भी एक ऐसी जगह है जिसको दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। वो दिल्ली गेट जल्दी आपको दिखेगा। वो दिल्ली गेट मेरे को तो आज तक यहाँ पे 18 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिखा नहीं है यहाँ पे। पता नहीं इसको फिलहाल के लिए हम पंचायती रामलीला ग्राउंड के पास में आ चुके हैं, एकदम सामने। ये पंचायती रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पे हर साल दशहरा मनाया जाता है। रावण का पुतला यहीं पे जलाया जाता है, रामलीला भी यहीं पे होती है, रासलीला भी यहीं पे रचती है। और ये दोस्तों हम दिल्ली गेट से बाहर निकल चुके हैं अब, और हमको तो यहाँ पे कोई गेट नहीं दिखा है। अब हम सीधे सीधे वहाँ जा रहे हैं जहाँ जाने का मन नहीं करता पर जाना पड़ता है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा ये हांसी शहर कितना यूनिक है। यहाँ पे नाम तो हांसी है इसका, लेकिन इसमें दिल्ली गेट के नाम से भी एक जगह है। दोस्तों हम कुछ पिछले 15 मिनट से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नेहरू कॉलेज नहीं आया है। पता नहीं ये कहां से भाई, ये इस पे मुझे विश्वास नहीं रहता, पता नहीं कहां लेके जा रहा है हमें। बार बार उंगली दिखाने से बात नहीं बनती भाई, बता दे कहां लेके जा रहा है। कॉलेज लेके जा रहा हूँ। क्या तो रहा है कि कॉलेज लेके जा रहा हूँ, पता नहीं अभी तक कॉलेज भी नहीं आया है, कब तक कॉलेज आएगा इसका। चलो देखते हैं हम थोड़ी दूर और चल के, क्या पता कॉलेज आ ही जाए। तो दोस्तों हमको फिर से 10 मिनट हो चुके हैं चलते चलते, लेकिन इस बंदे का कॉलेज नहीं आया अभी तक। अरे एक मिनट, पता नहीं ये एक मिनट करता करता 10 मिनट फिर से निकाल दिए हैं। पता नहीं ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। गाली देने का मन तो नहीं करता, लेकिन ऐसे लोगों पे निकल जाती हैं गालियां। कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं नेहरू कॉलेज में। इतने टाइम बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बंदा हमको लेके आया है। अब हम जाके कहीं में कॉलेज में एंट्री करेंगे। चलो आपको आज कॉलेज दिखाते हैं। महाविद्यालय हांसी,
देख लो भाई बोर्ड लगा हुआ है, ये कॉलेज का एंट्री गेट है, ये कॉलेज है भाई। ये जैसे लग रहा है कि जेल में जा रहे हैं हम भाई। ये भाई के चेहरे पे इतनी सारी खुशी, अपने कॉलेज पहुंच गए भाई। चलो देखते हैं आज ये भाई किनसे मिलते हैं। यार बाहर से तो बेकार दिख रहा था लेकिन अंदर से वाओ, अंदर से बढ़िया है ना। फिलहाल हम वॉक करते करते चल रहे हैं हम। पेड़ पूड़ अच्छे लगा रखे हैं। दोस्तों आपने देख लिया होगा पीछे क्या चल रहा था। अरे धीरे बोलने की जरूरत नहीं है यार, अक्सर कॉलेज में ऐसा ही कुछ चलता है। तो देखते हैं हम कॉलेज के अंदर का सीन दिखाते हैं आपको। पार्किंग फॉर बॉयज, क्या पार्क, ये हमने कॉलेज में एंट्री की थी और बाहर का है गार्डन। अब हम कॉलेज के अंदर एंट्री करने वाले हैं क्लासेस के अंदर। हम एक गेट से पास हो गए, दूसरे गेट में जा रहे हैं। तो ये पता नहीं हम गेट के अंदर से नहीं गए और अजीब रास्ते से जा रहे हैं। ये हरे भरे पेड़, इतना अच्छा मौसम, हल्की हल्की धूप, मन को एक अलग ही पीस देती है। गटर रहा सामने, कोई होता तो गिर भी जाता मेरे भाई। ये भाई अपने दोस्तों से मिलते हुए, वो जो कॉलेज के लिए आया था वो फॉर्म जमा कराने के लिए अंदर चला गया है लाइब्रेरी में। बाहर थोड़ा और अब हम यहाँ बाहर थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। तो ये देखिए हम इस चेयर पे बैठे हैं रेड कलर की। यहाँ पे आसपास में और भी बहुत सारी चेयर हैं, तो आपको आना हो तो आप भी आके यहाँ पे बैठ सकते हैं लाइब्रेरी के बैक साइड। नेहरू कॉलेज अभी ये ख़त्म हो चुका है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले व्लॉग में। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी, ये बंदा भी कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताना। ओके बाय 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 बाय, सी यू सून।